आम तो आम, अब सरकारी चीजों पर भी लोग निजी दावा करने लगे हैं। ऐसा ही मामला जहानाबाद में सामने आया, जहां एक सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर लोगों द्वारा दावा ठोका जा रहा है। जहानाबाद में एक परिवार द्वारा सरकारी क्वार्टर पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का ये मामला सामने आया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कब्जा धारक का सभी सामान क्वार्टर से बाहर निकलवा दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास बने सरकारी क्वार्टर की है, जहां एएसपी के गार्ड रहा करते थे। इस क्वार्टर में मुकेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन बताते हुए कब्जा कर लिया और सभी कमरों में अपने घर का सामान लाकर रख दिया। इस बात की खबर प्रशासनिक महकमे में पहुंची तो वहां खलबली मच गई। मंगलवार को सीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और क्वार्टर में रखे सभी सामान को बाहर निकलवाया। इस घटना को लेकर सीओ स्नेहा सत्यम ने बताया कि 15 दिन पहले मुकेंद्र यादव और उसके परिवार द्वारा अवैध ढंग से सरकारी क्वार्टर में प्रवेश कर कब्जा जमा लिया गया था, जिसे 4 दिन पूर्व खाली करने का निर्देश भी दिया गया था, पर क्वार्टर को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम दल बल के साथ पहुंची और सरकारी क्वार्टर को कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान कब्जा धारक के सभी सामानों को बाहर निकाला। सरकारी क्वार्टर पर इस तरह से हुए कब्जे की सूचना से आसपास के लोग भी इसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। यहाँ एक सरकारी क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर में मतलब मुकेंद्र कुमार के उनके परिवार उनके भाई के द्वारा अवैध दखल कब्जा सरकारी क्वार्टर पे किया गया था कुछ दिन पहले। इसकी सूचना मिली, हम लोग 4-5 दिन पहले आकर यहाँ पर इन लोगों को बोले भी थे कि सामान अपना अपना हटा लें, खुद से क्वार्टर खाली कर दें, लेकिन इन्होंने अपना सामान नहीं हटाया था। तो इनको सूचना देने पर ये लोग जब खाली नहीं किए तो आज हम लोगों के द्वारा अवैध दखल कब्जा को हटा करके सरकारी क्वार्टर अतिक्रमण मुक्त हटा किया गया। देखिए